लहसुन अदरक ये चुपे। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर। सुबह उठ के काफी ज्यादा बोर हो गए थे, घर पे बैठे थे, चाय नाश्ता किए। नाउ हम लोग जा रहे हैं अदरक और लहसुन लेने। क्यों लेने जा रहे हैं ना, थोड़ा नाश्ता बनने वाला है तो खुद खाएंगे पियेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खाएंगे पियेंगे और फिर निकलेंगे गंगा नहाने के लिए, सिर्फ स्नान करने के लिए, और कुछ रील्स वगैरह कुछ बनाएंगे तो जो भी होगा देखते रहेंगे। और हाँ एक और चीज, आज बनाने वाले रूम टूर, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो लेट्स गो। बस कुछ देर और, आधे से एक घंटे में हम लोग निकल लेंगे गंगा के लिए। तो गाइस अभी थोड़े से देर में हम लोग निकल लेंगे गंगा के लिए, तो डायरेक्टली रास्ते में ही मिलते हैं आपको अच्छे खासे मॉन्टेज और सिनेमैटिक्स के साथ, जो कि मैं यूजुअली कर ही रहा हूँ आजकल, एंड आपको मजा भी आ रहा है आई थिंक। तो बाबू भी आ गए, तो हम लोग यहाँ पे भी आराम से बैठ के चिल कर रहे हैं, नाश्ते का वेट कर रहे हैं, है ना बाबू? हाँ तो जल्द से जल्द निकलते हैं। कम हियर गाइस, ए गाइस बुला ली रिटर्न, चलो कुछ काम करो। और बहुत ही संस्कारी लड़की, बहुत ज्यादा काम करती है, काम बहुत करती है गाइस। इतना बड़ा घर समझो अकेले संभालती है, कोई करने वाला है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो अभी क्या कर रही हो? ओके। तो अभी इतना टाइम वेस्ट कर रही है हम लोगों का, ये गंगा जाने के लिए हम लोग सिर्फ इसके लिए अभी तक रुके क्योंकि इनका काम बचा हुआ है, तो ये जल्दी से जल्दी सारा काम छोड़ता है। जाऊंगी तो कोई नहीं जाएगा। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। ओ हाँ हाँ हाँ, तो चलो जल्दी से काम करते हैं और निकलते हैं। So guys, फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं गंगा के लिए काफी टाइम बाद, ये देख रहे हो गाइस मेरे वजह से बहुत लेट हो गया। Women will be always women, आपको पता ही है कितना ज्यादा समय लेते हैं वो लोग। ये देखो एक पीछे खड़ी है चमाइन, तो दोनों ने काफी समय लिया। तो काफी ज्यादा समय ले लिया इन लोगों ने, फिर अब फटाफट निकल रहे हैं, देखते कितना समय लगेगा। एक्सपेक्टेड कितना टाइम है? Maybe 15 minutes. अभी हमें तो कुछ नहीं मालूम भाई, सब बनारस वाले इनको ही पता होगा, या फिर दीदी को पता होगा कि कितना समय लगेगा। तो देखते हैं कितना समय लगता है और जल्द से जल्द पहुंचते हैं एंड मिलते हैं गंगा स्नान। हाँ तो मेरा कहना है फेस नहीं आना चाहिए। हाँ फेस नहीं आना चाहिए। हाँ सो गाइस फाइनली इतने मेहनत के बाद भैया ने गंगा नहा लिया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक, मेरे ख्याल से मैंने कभी जिंदगी में गंगा नहाया ही नहीं था भैया, कभी नहीं। स्ट्रगल, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, आज मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ और लाइफ में फर्स्ट टाइम आज मैंने गंगा नहाया, एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू मी गाइस। आज हम लोग ने गंगा नहा लिया, शायद से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिंदगी के जितने पाप थे धुल चुके हैं, और होप करते हैं कि अब आगे जो होगा अच्छा होगा। न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर के स्टार्ट अच्छे तरीके से करने, क्योंकि अब गंगा का स्नान हो चुका है और ये ब्लॉक को चार चांद लगा दिया है स्नान ने, तो भगवान करते हैं कि सब अच्छा होगा। तो अब हमारा प्लान था सिद्धवन जाने का, लेकिन अब शायद से ड्यू टू सम रीजंस हम लोग आज नहीं जा पाएंगे, तो वो कल जाएंगे, वो भी बुआ के साथ जाएंगे। तो देखते हैं आज का क्या शेड्यूल होगा, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है,
पता नहीं मैं क्यों ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया, बट स्टिल दे दिया। तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है एंड हर हर महादेव। फिलहाल दर्शन हो चुका है, अब निकल रहे हैं घर के लिए, तो वही रूट वही सब कुछ फॉलो करना है, तो डायरेक्ट अब घर पे मिलते हैं बिकॉज काफी ज्यादा रश हो चुका है, जैसा कि संडे आज, तो डायरेक्टली घर पे डिस्कस करते हैं दर्शन के बारे में। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हम सब एंड बहुत अच्छी तरीके से वही सेम पाथ से ही पहुंचे, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुई है और ये मुझे परेशान किए जा रही है ब्लॉग में सुबह से ही बीच में घुस घुस के, इग्नोर हर। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, काफी अच्छा रहा सफर, दो ही दिन का था लेकिन काफी ज्यादा एंजॉय किया हमने एंड फर्स्ट टाइम डियर अंकिता दीदी के साथ भी हमने इतना टाइम बिताया, इतना था मस्ती किए, तो बहुत अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। पार्थ और निकिता के पार्थ और निकिता से डेली मिलते रहते थे बट दीदी से काफी रेयर मिलते थे, तो इस बार काफी अच्छे से काफी मस्ती और मजे के साथ हुआ, तो बहुत ही मजा आया बाबू, बनारस काफी ज्यादा पसंद आया, बहुत ही अलग है। ये किसका मेरा गला बैठ चुका है, लोग को समझाते समझाते सो आप मेरा आवाज सुन सकते हैं, जबकि की कुछ नहीं भाई, तो इग्नोर ही। तो अभी फिलहाल यहाँ से पार्टी चल रही है और पार्टी फ्रॉम दीदी एंड पार्थ, फिलहाल पार्थ हमें सिखाने वाला है कुछ जापानीज के खाने के तरीके, कभी हमने खाया नहीं चॉपस्टिक से, फर्स्ट टाइम वी विल ट्राई, तो लेट्स सी मजा आने वाला है, बाबू भी खाएगा है ना बाबू, लेट्स गो बोलो। तो गाइस जैसा कि आज हम लोग फर्स्ट टाइम चॉपस्टिक से ट्राई कर रहे हैं पार्थ को छोड़ के, तो करंटली वी आर हैविंग चैलेंज, अच्छा तो कौन चॉपस्टिक से जल्दी खाने की ट्राई करेगा, तो चलिए इस चैलेंज को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन इट। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाबू बाबू काफी अच्छा रहा आज का दिन, गेम में जैसा कि जीत ही गया है पार्थ, क्योंकि उसको आता है चॉपस्टिक से अच्छी तरीके से, तो इसलिए पार्थ जीत चुका है एंड बाबू भी जीत गया, बाबू अब जीत गए ना, बाबू जीत गया आप जीत गए ना बाबू, बोलो 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 आई वॉन ब्लॉग को एंड करते हैं, कल घर पे है रुद्राभिषेक, तो उसका ब्लॉग भी पूरा डे का ब्लॉग बनाएंगे अच्छी तरीके से, काफी ज्यादा अच्छा कल मजा आने वाला है, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, टाटा बाबा सेव एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाबू के मुंह सुनो, हर हर बाबू 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 इधर देखो, हर हर जय श्री जय श्री राम बाबा।